नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के चुनाव आयोग ने यानी कि निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों हमारे देश के अंदर कुछ राज्यों में चुनाव की घोषणा की और इस चुनाव की घोषणा के बाद विभिन्न राज्यों में गहमा गहमी है। मूल तो मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूं, तो यहां पे भी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है और आप एक भीषण राजनीतिक संग्राम लगातार देख रहे हैं। तो इसको देखते हुए कई बार मन में प्रश्न आता है कि आखिर ये इतना बड़ा जो कंपटीशन है या जो वर्तमान में जो ये गहमा गहमी है, जो निर्वाचन की बात निर्वाचन आयोग ने की है, आखिर ये निर्वाचन के बाद होता क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है। कॉमनली हम लोग जानते हैं कि सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं अपने इस मतदान के द्वारा, यानी आप लोगों को सभी को वोटिंग करनी है। जब आप वोटिंग करेंगे उस वोटिंग के बाद जिन्हें आप जिताएंगे, जिस पार्टी को आप जिताते हैं उसकी सरकार बनती है, अमूमन ये हमारा मानना होता है। लेकिन बातें केवल यहीं तक सीमित नहीं होगी। अगर हम सरकार शब्द की बात करते हैं कि वास्तव में सरकार होती क्या है, अगर मैं इस तथ्य के ऊपर जाऊं और सरकार शब्द को अगर हम समझना चाहें कि क्या केवल जो हम अभी चुन रहे हैं क्या वही सरकार है, लेकिन नहीं, ये सरकार का केवल एक छोटा सा भाग है जिसका हम अभी चयन करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे, तो मैं थोड़ा इसके संदर्भ में आपको जानकारियां देना चाहूंगा कि ये सरकार वास्तव में होती क्या है। थोड़ा संवैधानिक पर्सपेक्टिव से भी मैं चीज़ों को आपको समझाऊंगा। तो जो एकेडमिशियंस हैं, जो नॉर्मल पब्लिक हैं, हर किसी के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा, तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ आपने सुनी होगी कि सरकार किसे कहते हैं। पहला जो वर्ड सरकार के लिए कहा जाता है, हम कॉमनली किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को या उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को, उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, हम कहते हैं भाई ये सरकार है, ये सरकार का व्यक्ति है, ठीक है। तो सरकार बेसिकली, अगर मूल अवधारणा की हम बात करते हैं, तो सरकार के तीन अंग होते हैं। आपने पहले भी इस चीज़ को सुना है, अब मैं राज्य के संदर्भ में बात आपके सामने आज कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीन शब्द आपने सुने, ऐसे ही स्टेट्स के अंदर भी, राज्यों के अंदर भी, राज्य की जो सरकार है वो तीन अंगों से मिलकर बनी। उन तीन अंगों में से एक अंग है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। दूसरा है राज्य की न्यायपालिका यानी कि स्टेट ज्यूडिशरी, और तीसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेशन यानी राज्य की विधायिका। अब थोड़ा सा इसमें और डिस्क्रिप्शन में हम लोग जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, ज्यूडिशरी में कौन आते हैं और लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं, इन तीनों को भी हमें जानना जरूरी है। ये पूरे डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो स्टेट की होती है, जिसे हम कहते हैं प्रदेश की कार्यपालिका, इनमें कौन कौन लोग हैं पहले आप सभी को ये समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज़ जो कार्यपालिका है, उसमें जो सबसे पहला व्यक्ति जो आता है वो होता है गवर्नर, यानी उस राज्य का राज्यपाल। तो राज्यपाल पहला व्यक्ति है जो कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव का मेंबर होता है। राज्यपाल के बाद में हम बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो मंत्रियों का एक समूह होता है जिसे मंत्री परिषद भी कहते हैं, जिसका हेड होता है स्टेट में मुख्यमंत्री, तो वो भी कार्यपालिका का सदस्य होता है। इसके अलावा जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, दोनों तरीके के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर, आप लोग जानते होंगे जो लोग रुचि रखते हैं राजनीति में, तो एक कैबिनेट मंत्री का एक पद होता है और एक राज्य मंत्री का पद होता है। तो ये दो तरीके के मंत्री होते हैं, जो बड़े विभाग होते हैं वो कैबिनेट मंत्री संभालते हैं और जो छोटे विभाग होते हैं उनके लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिनिस्टर होते हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, कई बार उपमंत्री भी उन्हें कहा जाता है, और इस तरीके से ये पूरी एक नामावली है, शब्दावली है। तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं जो कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं, ये सभी कार्यपालिका के भाग होते हैं। तो ये राज्य की कार्यपालिका है, यानी राज्य के अंदर कोई भी कार्य होता है वो इनके माध्यम से होता है। तो आप लोग कभी भी जानते होंगे, हम जब जनता मांग करती है कि हमें ये काम करना है, ये समस्या का समाधान चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उस समस्या के समाधान के लिए अक्सर जब बैठक होती है तो कैबिनेट की बैठक ली जाती है और कैबिनेट की बैठक में डिसीजन लिए जाते हैं। तो बेसिकली जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, ये जो हम कैबिनेट वगैरह जो हम कह रहे हैं, ये सब उस एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। और एग्जीक्यूटिव का काम जो कानून बने हैं, जो भी नियम बने हुए हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उनका क्रियान्वयन करवाना उनका कार्य होता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक तो ये एक पार्ट होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का दूसरा पार्ट होता है ज्यूडिशरी, ये भी सरकार का ही एक अंग माना जाता है। और ये ज्यूडिशरी जो होती है, इसमें आप देखते हैं सबसे पहले स्टेट लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट आते हैं, और हाई कोर्ट के अंडर में आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो आते हैं। तो ये स्टेट की ज्यूडिशरी का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इस
इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। और तीसरा जो हम पार्टी की बात कर रहे हैं वो होती है स्टेट की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर की जो हम बात कर रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो पहली चीज, जैसे हमारा केंद्र के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति आता है, तो स्टेट के अंदर वैसे ही पहला व्यक्ति जो आता है वो गवर्नर आता है। और गवर्नर के अलावा साथ में दो सदन, दो हाउसेस की बात जो स्टेट में आती है उसमें ये देखना जरूरी है कि कई स्टेट्स में बाइकैमरल होता है और कई में बाइकैमरल मतलब दो सदन की, द्विसदनीय व्यवस्था जो हमारी है वो हर जगह नहीं है, हर स्टेट में नहीं है। तो कुछ जगह क्या होता है, विधान सभा होती है और कई, और साथ में विधान परिषद भी होती है, यानी जो हम एक तरह से कहते हैं स्टेट असेंबली जिसे हम कहते हैं, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधायिका और राज्य विधान परिषद, तो विधानमंडल और इन दोनों को मिलकर के विधानमंडल बनता है। तो ये कई राज्यों में होती है, हालांकि विधान परिषद हमारे देश के अंदर बहुत कम राज्यों के अंदर होती है। तो मूलतः इसमें जो लोअर हाउस जिसे हम एक तरह से कहते हैं, जैसे संसद के अंदर लोकसभा होती है जिसके लिए चुनाव होते हैं, वैसे स्टेट के अंदर विधानसभा होती है जिसके लिए हम लोग वोटिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विधायिका के अंतर्गत जो विधानसभा होती है उस विधानसभा के लिए हम लोग मतदान कर रहे हैं, मतदान अक्सर करते हैं और उसके सदस्यों को हम चुनते हैं। जब उसके सदस्यों को हम चुनते हैं तो उन्हीं सदस्यों में से कुछ लोग जो कि बहुमत दल के होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में सेलेक्ट होते हैं, जिनका काम जो कार्यपालिका के अंग बन जाते हैं, और जो कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और साथ में राज्य मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं, और उनका जो साथ में उनको ऑर्गेनाइज करने का जो काम होता है, उनके काम को अनुमोदन देने का कार्य होता है वो राज्यपाल का होता है। तो राज्यपाल के साथ में वो सभी लोग कार्यपालिका के अंग भी बन जाते हैं, हालांकि विधायिका के अंग भी वो लोग बने रहते हैं। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि हम जो चुनाव में हम पार्टिसिपेट करते हैं, मतदान हम करते हैं, हम विधानसभा के सदस्यों के लिए चयन करते हैं। उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं तो 70 सीटें हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं, तो इन 70 सीटों पर हम लोग मतदान करेंगे, 70 विधायकों को हम चुन के भेजेंगे। तो वो 70 के 70 जो मेंबर होंगे वो होंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभा है उसके वो भाग बनेंगे, विधानसभा के एक सदस्य बनेंगे जिसे कि हम विधायक के रूप में कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए मतदान होना है। अब आप समझ चुके होंगे कि जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, राज्य की सरकार किन चीज़ों से बनती है, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को मिलकर के हम एक सरकार शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये सरकार शब्द की एक व्यापक अवधारणा थी, एक कुछ छोटा सा टॉपिक मैंने उठा करके आपके सामने लाने का प्रयास किया। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, और जो प्रश्न आपके मन में है आप कमेंट